strength. Remains left after the bombing, they brought some of us back from the colonies. हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। तो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में ये देखा कि हैंडमेड्स की लाइफ कितनी दर्द भरी होती है और उनके साथ में ये अमीर लोग क्या क्या टॉर्चर करते हैं। तो ये हैंडमेड टेल्स 2 का पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें हम एपिसोड 7, 8 और 9 को कवर करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुए, तो वहाँ से भी बाकी के एपिसोड को चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वॉर की वजह से किसी अपने को खोने का दर्द कैसा होता है, एक हैंडमेड अपने गुस्से को किस लेवल तक लेकर जा सकती है, और 9 महीने के अपने बच्चे को पालकर किसी और के हवाले करना किसी माँ के लिए क्या आसान बात है, यही हमें आज के इन 3 एपिसोड्स में पता चलेगा। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है काले और लाल कपड़े पहने कुछ हैंडमेड से, जो कि बॉम्ब ब्लास्ट से मरी हैंडमेड्स के फ्यूनरल में मौजूद थी, और बाकी हैंडमेड्स और यहाँ तक कि एरिका भी अपने आंसुओं के साथ उन हैंडमेड्स का अंतिम संस्कार करती है। और किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जीना के मन में अथॉरिटीज के लिए जो गुस्सा था, उसकी वजह से 35 हैंडमेड्स की जान चली जाएगी। अब घर लौटते टाइम सभी हैंडमेड्स देखती है कि कई सारे अमीर लोगों को और उनकी फैमिलीज और यहाँ तक कि उनकी मेट्स को भी फांसी पर लटका कर मार दिया गया है। और जीना ने आखिर किसके कहने पर वो ब्लास्ट करवाया था, और उसके पास में वो बॉम्ब और उसका सामान कहाँ से आया, इसी शक में अथॉरिटीज अब अमीर लोगों से ही पूछताछ करके उन्हें मार रही थी। फिर इस तरफ फ्रेड बॉम्ब ब्लास्ट में बच तो गया था, लेकिन वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। और निक और सेरिना हॉस्पिटल में उसका ख्याल रख रहे थे। तभी वहाँ पर मार्क और देश का न्यू कमांडर क्रू आता है, और पुराने कमांडर की बॉम्ब ब्लास्ट में मौत हो चुकी थी, जिससे निक ने जून के लिए मदद मांगी थी, और पुराने कमांडर की मौत से निक काफी ज्यादा दुखी था। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, और इस तरफ पॉइजन गैस वाली जगह में अथॉरिटीज के कुछ लोग आते हैं, और उनके पास में एक लिस्ट थी। उस लिस्ट में जिन भी हैंडमेड के नाम थे उन सभी को गाड़ी में बिठा कर वहां से ले जाया जाता है, और उसमें ग्लेनवा और हेना का भी नाम था। दूसरी तरफ हम कनाडा में भी गलियत देश के हुए बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में सभी को पता चल गया था, और वहां से बच के आए लोग अपनों के लिए परेशान थे जो अभी भी वहीं पर फंसे हुए थे। मोरिया जून के लिए बहुत परेशान थी, लेकिन जॉन खुद पर यकीन रख रहा था कि जून अभी भी जिंदा है, और इसीलिए वो मरे हुए लोगों की लिस्ट एक बार भी चेक नहीं करता है। कहानी अगेन पास्ट में आती है, जहाँ पर मोरिया $25,000 में किसी का बच्चा सेरोगेसी से पैदा करवाने वाली थी, और बस पैसों के बारे में सोच रही थी, तो उसे बेबी किसी और के हवाले करने में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब प्रेजेंट टाइम में मोरिया कनाडा की अथॉरिटीज से गलियट के बॉम्ब ब्लास्ट में मरे हुए लोगों की लिस्ट देखने की रिक्वेस्ट करती है, और मोरिया की एक गर्लफ्रेंड भी वहाँ पर हैंडमेड थी, तो जिंदा है या नहीं मोरिया यही जानना चाहती थी कि उसकी गर्लफ्रेंड जिंदा है कि नहीं, और उसे ये परमिशन मिल जाती है। फिर मरे हुए लोगों की फोटोज बहुत सारे फाइल्स में थी, जिनमें से मोरिया को उसकी गर्लफ्रेंड को ढूंढना था। अब इस तरफ गलियट देश में जून से मिलने न्यू कमांडर क्रू आते हैं, जो कि जून से जीना के बिहेवियर के बारे में पूछते हैं कि वो बॉम्ब ब्लास्ट के पहले कैसी थी, और जून ने किसकी मदद से इस देश से भागने की कोशिश की थी। लेकिन जून को सेरेना ने जिस तरह सिखा रखा था कि उसे किडनैप किया गया है, जून क्रू को भी वैसा ही बताती है। लेकिन क्रू को भी पता था कि जून बिल्कुल झूठ बोल रही है, और ये साबित करने के लिए क्रू के पास में कोई भी सबूत नहीं था। क्रू के घर के पास जाते ही जून देखती है कि बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व होने के शक में आर्मीज क्रू के ऑर्डर्स पर एक मेड को गोली मारकर मार डालती है, और ये देखकर जून अपने और अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर शाम को जून हॉस्पिटल जाती है फ्रेड को देखने के लिए, और फ्रेड का बहुत मन कर रहा था कि वो अपने होने वाले बेबी को एक बार महसूस करे। फ्रेड की हालत देखकर जून को भी बहुत बुरा लगता है, और वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर जून को बाहर निक मिलता है, और देश के बदले हुए हालत से जून बहुत ही घबराई हुई थी। निक उसे संभालता है, और इसी दौरान दोनों के बीच में एक किस भी होता है, लेकिन निक मेरिट था तो जून खुद को कंट्रोल करके वहां से चली जाती है। अब रात को घर में जून सेरेना को बता देती है कि कमांडर क्रू उसे यहाँ से भागने के बारे में पूछताछ करने के लिए आए थे, और वो इस बात पर विश्वास भी नहीं कर रहा था कि जून को किडनैप किया गया है, और हो सकता है कि वो जून का बेबी पैदा भी नहीं होने दे। सेरेना सोचती थी कि फ्रेड सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन इस समय फ्रेड यहाँ पर नहीं था, तो जो कुछ भी करना था सेरेना को ही करना था। अब उसी रात सेरेना निक से मिलकर पूछती है कि कभी क्या उसने पुराने कमांडर से इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, और निक भी इस बात को हाँ करता है। अब कहानी फिर से पास्ट की तरफ आती है, जहाँ पर मोरिया अपने बेबी को पैसे मिलने के बाद कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उस कपल को सौंप देती है,
और उसे लगा तो था कि ये बहुत आसान होगा, लेकिन अपने बेबी को किसी और के हाथ में देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। और यहाँ पर मोरिया की गर्लफ्रेंड और कोई नहीं, उसी हॉस्पिटल की डॉक्टर रीटा थी जहाँ पर मोरिया ने बेबी को पैदा किया था। और इसी दौरान मोरिया और रीटा की दोस्ती हुई थी और दोनों करीब आए थे और उनका रिलेशनशिप भी यहीं से शुरू हुआ था। अब प्रेजेंट टाइम में मोरिया तो इसी उम्मीद में थी कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड की लाश की फ़ोटो नहीं मिले, लेकिन उसे एक फाइल में बम ब्लास्ट से मरी लीटा की फ़ोटो मिल जाती है। और आखिरी टाइम में मोरिया अपने प्यार से मिल भी नहीं पाई थी और इसी वजह से मोरिया अंदर से बहुत ही ज़्यादा टूट गई थी। अब अगले दिन गलित देश में मार्क न्यू अथॉरिटीज़ के ऑर्डर के साथ में क्रू को सेरेना के घर पर जाने से रोकता है। और सेरेना ने क्रू पर झूठा इल्ज़ाम लगा था कि क्रू गलत इल्ज़ाम उनकी प्रेग्नेंट हैंडमेड पर लगाकर उसे हैरेस कर रहा है और क्रू को मजबूर होकर वहाँ से वापस जाना पड़ता है। कुछ देर के बाद में मार्केट में जून को हैना मिलती है और जून हैना से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसे तो लग रहा था कि सज़ा मिलने के बाद में हैना को अथॉरिटीज़ ने मार दिया होगा, लेकिन हैना को भगवान पर यकीन था कि भगवान ने उनके लिए कुछ अच्छा ही सोच कर रखा होगा। ग्लेनोवा को भी यहाँ पर वापस लाया गया था और पहली बार दोनों एक दूसरे को अपना असली नाम बताते हैं और उनको देखकर सभी हैंडमेड पहली बार अपना असली नाम एक दूसरे से शेयर करती है। जैसे कि वे सभी हैंडमेड की पहचान से बाहर आकर अपनी असली पहचान को धीरे धीरे अपना रहे थे। अब इस तरफ कनाडा में गलियट के बॉम्ब ब्लास्ट से मरे हुए सभी लोगों के लिए प्रे की जा रही थी और मोरिया भी अपने और रीटा की एक फ़ोटो लगाकर उसके लिए प्रे करती है और जॉन मोरिया को संभालता है। दूसरी तरफ गलियट में सेरेना जॉन को पुराने कमांडर के न्यू ऑर्डर्स के बारे में बताती है और शायद इसके बाद में देश की हालत पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगी। वॉर के पहले जून एक एडिटर थी और इसीलिए सेरेना उस ऑर्डर को उसके लिए जून को पढ़ने के लिए कहती है और जून भी उस ऑर्डर को पढ़ने लगती है। और इसी के साथ में एपिसोड 7 खत्म होता है। यहीं से एपिसोड 8 की शुरुआत होती है जहाँ पर सेरेना और जून के बीच में एक नया रिश्ता बन चुका था, कलिक्स का रिश्ता, जहाँ पर सेरेना लिखती थी और जून कुछ वर्ड्स को सही करती थी। सेरेना अपने काम को मिस कर रही थी और देश में बल्ले रूल के मुताबिक औरतें बाहर की जॉब्स नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी सेरेना इसी उम्मीद में थी कि भगवान से एक बेबी पाने के लिए उसे कुछ न कुछ खोना नहीं पड़ेगा। फिर अगले दिन फ्रेड हॉस्पिटल से वापस आता है जिस वजह से सेरेना बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन जून को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो फ्रेड को घर पर वापस आता देखकर खुश नहीं थी। जून को अपने रूम के अंदर वही बॉक्स के अंदर बंद डांस करती हुई डॉल मिलती है और उसके साथ में एक रोज भी था। सेरेना ने उसको फिर से जून को गिफ्ट कर दिया था। जैसे कि सेरेना जून को ये चेताना चाहती हो, भले ही उसने कुछ टाइम हंसकर बात की है और कुछ टाइम साथ में भी रहे हैं, लेकिन अभी भी जून एक बॉक्स के अंदर बंद डॉल है जिसे उसको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। और इस तरफ एडना निक से घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी, उसके पसंद के बारे में जानने की कोशिश भी करती है, पर निक को एडना की बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और निक जैसे ही वहाँ से जाता है तो अपने इतने टाइम से रोके गए आंसू एडना नहीं रोक पाती है और उसके आंसू अब निकलने लगते हैं। और वो भी जान गई थी कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, निक उससे कभी भी प्यार नहीं करेगा। अब अगले दिन जून और बाकी हैंडमेड्स मार्केट गई थी और वहीं पर हैना बताती है कि भगवान उनके साथ में है और इसीलिए वे लोग अभी तक जिंदा है और उनको बस सेरेमनी के लिए सेक्स करना पड़ रहा है। तभी सुनकर गुस्से में ग्लेनोवा कहती है कि रेप होना कोई भगवान की कृपा नहीं होती है, उससे अच्छा है कि उन बाकी हैंडमेड्स की तरह वो बॉम्ब ब्लास्ट में मर जाती, कम से कम वो हैंडमेड्स लकी थी जो कि इस नरक से बच गई। फिर उसी टाइम पास में से एक एम्बुलेंस गुजरती है और उसकी आवाज़ से वे लोग समझ जाते हैं कि किसी की बेबी की तबीयत खराब है। और तभी एक हैंडमेड हैना को बताती है कि उसकी बेटी एंजेला की हेल्थ खराब थी और इसीलिए वो एम्बुलेंस वहाँ पर आई है। उसे सुनकर हैना अपनी बेटी के लिए बहुत ही घबरा जाती है। जून उसे समझाती है कि सेरेना सारा के घर गई है तो वो किसी भी तरह एंजेला के बारे में पता लगाकर हैना को बताएगी। हैना एंजेला से मिलना चाहती थी, लेकिन जून उसे समझाती है कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और हैना को ऐसा लग रहा था जैसे कि जून भी उन लोगों की तरह बातें कर रही है और वो भी एक माँ के दर्द को नहीं समझ रही थी। अब रात को जून को सेरेना से पता चलता है कि एंजेला की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मार्क और सारा सब कुछ कर रहे हैं एंजेला को ठीक करने के लिए, लेकिन एंजेला ठीक हो ही नहीं रही थी। और जून इशारों में सेरेना को बताती है कि बेबी हमेशा अपनी माँ के पास में रहना चाहती है। अब रात को सेरेना इस बारे में फ्रेड से बात करती है कि वो कोशिश करे कि किसी तरह एंजेला हैना से मिल पाए, लेकिन फ्रेड इसके लिए सेरेना को मना कर देता है। और सुबह सेरेना जून को बता देती है कि हैना एंजेला से नहीं मिल पाएगी। जून जितना हो सके सेरेना को समझाती है कि शायद वो हैना का भी आखिरी मौका हो अपने बेबी को देखने के लिए।
और तब सेरेना मार्क से सारा को समझाने को कहती है कि हेना की वजह से ही उनको एक बेबी मिली है, तो वे लोग हेना को एक बार एंजेला को दे दें, क्या पता इसके बाद में एंजेला भी ठीक हो जाए। और तब मार्क और सारा भी इस बात को भगवान की मर्जी समझकर मान जाते हैं। अब कुछ टाइम के बाद में एरिका हेना को हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसे कुछ टाइम वेट करने को कहती है। एरिका जून से गुस्सा थी क्योंकि एक रूल था कि बेबी पैदा होने के बाद में हैंडमेड को बेबी के बारे में कोई खबर नहीं जाती है, लेकिन जून ने हेना को एंजेला के बारे में सब कुछ बता दिया था। लेकिन जून के अनुसार हेना का हक था कि वो अपने बेबी की हर बात को जाने। हेना को एंजेला के पास में लाया जाता है और हेना उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन एंजेला अभी भी बेहोश थी। फिर हॉस्पिटल में एक यूनिट नाम की मेड को लाया जाता है जो कि एक टाइम पर डॉक्टर भी थी और सिर्फ वही एंजेला की बीमारी को समझ सकती थी और शायद उसे वो ठीक भी कर सकती थी। यूनिट एंजेला का ट्रीटमेंट करने लगती है, लेकिन कुछ ही टाइम में मार्क और सारा को एक खबर दी जाती है कि एंजेला अब ठीक नहीं हो सकती है, जिसे सुनकर हेना भी बहुत रोती है। और फिर जून आखिरी बार हेना को एंजेला को किस करने को कहती है। अब इस तरफ जूनेट भी सेरेना को यही कहती है कि एंजेला को मशीन से सेफ रखने की नहीं बल्कि एक ऐसा हाथ चाहिए जिसके साथ वो अपनापन और सेफ महसूस करें और इसी से वो ठीक हो सकती है। और शायद सेरेना भी समझ गई थी कि एंजेला को हेना की ज़रूरत है। फिर इस तरफ हेना आखिरी बार एंजेला को गोद में लेती है और उसको एक बार प्यार से किस करती है। इधर रात को फ्रेड सेरेना और जून को एक साथ स्टडी रूम में बुलाता है और फ्रेड उनसे गुस्सा था कि उससे पूछे बिना सेरेना और जून ने हेना को एंजेला से क्यों मिलवाया। सेरेना फ्रेड को समझाती है कि ये एंजेला के लिए ज़रूरी था और हेना का भी हक बनता था कि वो अपने बेटे को देखने जाए, लेकिन फ्रेड फिर भी उनकी बातों को नहीं समझता है और सेरेना और जून को उनके रूल को तोड़ने की वजह से उनको माफ़ी मांगने को कहता है। फ्रेड एक बेल्ट निकालता है और सेरेना को उसकी बात नहीं मानने की वजह से उसे बेल्ट से बहुत पीटने लगता है क्योंकि उस देश का ये रूल था कि औरतों को मर्दों की हर बात को मानना होगा। अब इस तरफ निक जब घर पर आता है तो एडना उसे हेडमेट्स के उन लेटर्स को दिखाती है जो कि उसके रूम में से साफ करते टाइम उसे मिला था। हेडना ने उन लेटर्स को पढ़ा तो नहीं था, लेकिन फिर भी निक एडना से बहुत नाराज था क्योंकि उसने बिना पूछे उसकी चीज़ों को हाथ लगाया है। उन निक की बातों से एडना बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। अब घर के अंदर सेरेना की बॉडी पर फ्रेड की मार की वजह से बहुत सारे घाव बन गए थे और सेरेना का दर्द देखकर हम समझ पाते हैं कि देश में सिर्फ हेडमेट्स ही नहीं बल्कि वहाँ की वाइफ्स भी एक तरीके से आदमियों की गुलाम है और उनकी भी लाइफ कोई आसान नहीं है। और इस मुश्किल टाइम में जून सेरेना का कुछ दर्द कम कर पाती है, लेकिन सेरेना जून को अपने पास में नहीं आने देती है क्योंकि वो खुद को जून के सामने कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। जून फ्रेड के पास में जाती है और उससे माफ़ी मांगकर कहती है कि वो सिर्फ एंजेला की मदद करना चाहती थी, लेकिन फ्रेड जून को रूम में जाकर आराम करने को कहता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि एंजेला अपनी माँ का एक टच मिलने पर पूरी तरीके से ठीक हो गई थी और ये देखकर सभी शॉक्ड थे क्योंकि बेबी को हमेशा एक माँ ही समझ सकती थी और सिर्फ वही उससे प्यार करती थी। एपिसोड 8 यहीं पर ख़त्म होता है और एपिसोड 9 की शुरुआत होती है फ्रेड से जो कि जून को मिलने के लिए बुलाता है। फ्रेड ने अपने घर पर एक नए सिक्योरिटी बॉय आइज़ैक को रखा था जो कि सेरेना के ठीक होने तक जून और घर का ध्यान रखेगा। आइज़ैक अब जून की हर हरकत पर नजर रखने वाला था। इस तरफ फ्रेड सेरेना के पास जाकर उसे स्ट्रांग बनने की सलाह देकर वहाँ से चला जाता है और यह सुनकर सेरेना रो देती है। भले वो कितनी भी स्ट्रांग हो लेकिन अपने प्यार के हाथों इस तरह जलील होकर कोई भी टूट सकता था। फ्रेड और सेरेना इंटरनेशनल मीटिंग ट्रिप पर दूसरे देश में कुछ दिनों के लिए जाने वाले थे और उनके साथ में निक भी जाने वाला था। और जाने से पहले एडना निक को खुद अपने हाथों से बनाया हुआ टिफिन देती है। निक उसे थैंक यू से ज़्यादा कुछ नहीं कहता है और एडना उम्मीद लगा रही थी कि निक जाने से पहले उसे प्यार से बात करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और उस वजह से एडना और भी ज़्यादा दुखी हो गई थी। फिर जाने से पहले सेरेना एक बार जून से मिलने के लिए आती है और जून उसे ये यकीन दिलाती है कि उसके वापस आने तक वो और उसका बेबी बिल्कुल ठीक रहेगा। टीवी पर गलियट देश से फ्रेड और सेरेना के इंटरनेशनल ट्रिप पर आने की न्यूज़ आ रही थी और ये न्यूज़ मोरिया और जॉन देख रहे थे। मोरिया जॉन को बता देती है कि उन्हीं के घर पर जून हैंडमेड का काम करती है और मोरिया और जॉन कैनेडा की अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो फ्रेड को अरेस्ट करें क्योंकि उसने जून का रेप किया है, लेकिन अथॉरिटीज़ ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि वे लोग उनके देश में एक गेस्ट की तरह आए थे। अभी इतने दिनों के बाद में दूसरे देश की औरतों को देखकर सेरेना को अंदर से काफ़ी ज़्यादा दुख होता है क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था जब वो इन्हीं औरतों की तरह आज़ाद और अपनी मर्जी की मालिक हुआ करती थी। पब्लिकली अपने पार्टनर पर प्यार जताना, जॉब पर जाना और अपनी मर्जी के कपड़े पहनना,
फोन, इंटरनेट, ये सब तो नए लॉ की वजह से उनके देश गलियट से कहीं पर गायब हो गया था। फिर कुछ समय के बाद में फ्रेड और सेरेना कैरेना के डिप्यूटी मिनिस्टर फार्नेट और काउंसलर कैब से मिलते हैं, और कैब एक गे था जिसका एक हस्बैंड भी था। और भले ही बाकी देश में ये चीजें नॉर्मल थी, लेकिन गलियट देश में गे और लेस्बियन होना एक पाप था। इधर गलियट में हेना और जून एंजेला के बारे में बातें कर रहे थे, और एंजेला की हेल्थ पूरी तरीके से ठीक होता देखकर हेना बहुत ज्यादा खुश थी। जून यहाँ पर उसे बताती है कि शायद हेना को फिर से एंजेला को मिलने नहीं दिया जाए, और इस बात से हेना बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। जून उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, और एक सिक्योरिटी गार्ड बार बार हेना को जून से बात करने पर रोक रहा था, लेकिन हेना नहीं मानती है और वो सिक्योरिटी गार्ड को ही गाली दे देती है। वो सिक्योरिटी गार्ड हेना को बुरी तरीके से पीट देता है, और वो जून को वहां से घर की तरफ लेकर चला जाता है। अब इस तरफ कनाडा में सेरेना दूसरे लोगों की लाइफ स्टाइल देखकर खुद को अकेला महसूस कर रही थी। फिर लिफ्ट के पास में सेरेना को एक छोटी बच्ची और उसकी माँ दिखती है। वो बच्ची तो सेरेना से अच्छे से बात करती है, और सेरेना भी उस बच्ची और उसकी माँ से अच्छे से बात करती है, लेकिन उसकी माँ का बिहेवियर सेरेना की तरफ कुछ खास अच्छा नहीं था। फिर कुछ देर के बाद में होटल के बार में सेरेना की मुलाकात ल्यूक से होती है, जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए काम किया करता था, और पूरी दुनिया गलियट देश के बारे में जानना चाहती थी। इसीलिए सेरेना मीडिया के डर से किसी भी अनजान के साथ में बात करने से घबरा रही थी। कोई भी सेरेना से गलियट के बारे में जानकारी निकाल सकता है, लेकिन ल्यूक उसे यकीन दिलाता है कि वो मीडिया की तरफ से नहीं है। और साथ ही ल्यूक यहाँ पर यह भी कहता है कि वो सेरेना की मदद कर सकता है गलियट देश से निकलने के लिए, ताकि वो एक आज़ाद लाइफ को जी सके। लेकिन सेरेना उससे कह देती है कि वो कभी अपना घर और अपने देश को नहीं छोड़ेगी, ऊपर से वो एक बेबी की उम्र में भी है। लेकिन फिर भी ल्यूक एक बार सेरेना को इस बारे में सोचने के लिए कहता है। अब इस तरफ घर पर जून और नीना अपने बच्चों के बारे में बातें कर रहे थे, और नीना भी जून का तर्क समझती थी कि किस तरह जून एलिजाबेथ से दूर रही, और ऊपर से आने वाला बेबी भी उसे किसी और को देना होगा। नीना सिर्फ जून का अच्छा ख्याल रख सकती थी, और उससे ज्यादा कुछ करने के लिए नीना का कोई भी हक नहीं था। इस तरफ फ्रेड और सेरेना भी होटल रूम में वापस आ रहे थे, और बाहर बहुत सारे लोग गलियट में मारे जा चुके, और वहां पर कैद अपने लोगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। जॉन भी वहां पर था, और फ्रेड को देखकर वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और उसे मारने के लिए वो आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन उसे सिक्योरिटी पकड़ लेती है। और फिर जॉन फ्रेड को धमकी देता है कि उसने जो उसकी वाइफ जून का रेप किया है, उसकी सजा वो उसे एक दिन जरूर देगा। जून के पति जॉन को इस तरह कनाडा में देखकर निक और सेरेना भी हैरान थे, और फ्रेड जॉन की किसी भी धमकी से नहीं डरता है, और गलियट देश की ये सारी बातें झूठ बताता है। फिर जून के लिए जॉन को ऐसा तड़पता देखकर सेरेना को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब रात को निक एक क्लब में जॉन से मिलता है, और उसे बताता है कि जून बिल्कुल ठीक है, और वो प्रेग्नेंट भी है, और उस बेबी का फादर फ्रेड है। यहाँ पर निक जॉन को ये नहीं बताता है कि उस बेबी का फादर फ्रेड नहीं बल्कि वो खुद है, और यह सुनकर जॉन बहुत गुस्सा होता है और निक को धक्का भी देता है। लेकिन अगले पल में जॉन निक को सॉरी बोलकर उसकी बेटी एलिजाबेथ के बारे में पूछता है, जिसके बारे में निक को कुछ भी नहीं पता था, और वो जॉन को उन हैंडमेट्स का लेटर देता है जहाँ पर हैंडमेट्स ने अपनी प्रॉब्लम लिखकर मदद मांगी थी। जॉन निक को कहता है कि वो जून का ख्याल रखे, और जून को बताए कि वो उससे बहुत प्यार करता है, और उसको किसी भी तरह वो वहाँ से निकाल कर ही रहेगा, और तो और मोरिया भी उसी के साथ में सेफ है। फिर अगले दिन एरिका जून का चेकअप करवा रही थी, और जून एरिका से पूछती है कि बेबी होने के बाद में क्या उसे भी बेबी को छोड़कर इस घर से हमेशा के लिए जाना होगा। एरिका उसे बताती है कि ये रूल है, और ये बेबी के फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। अब जून इनडायरेक्टली एरिका को ये बताती है कि इस घर में एक ऐसा मर्द है जो कि औरत को हर्ट करता है, तो वो बेबी को भी हर्ट कर सकता है, और उसे फ्यूचर में उसके बेबी के लिए प्रोटेक्शन चाहिए। तब एरिका भी जून को यकीन दिलाती है कि वो कभी भी एक बेबी को हर्ट होने नहीं देगी। इस तरफ कनाडा में जॉन, मोरिया और क्रिस्टन उन हेडमैन के लेटर को पढ़ते हैं जहाँ पर बहुत सारी दर्दनाक कहानियाँ लिखी हुई थी। और अगले दिन फ्रेड और सेरेना को ल्यूक वापस गैलेट में जाने को बोलता है। जॉन ने उन हेडमेट के लेटर को पब्लिश कर दिया था, और उन हेडमेट की स्टोरी को देखते हुए वहाँ के लोग फ्रेड और गैलेट देश पर बहुत भड़के हुए थे, और इस टाइम उनका कनाडा में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, और उन पर खतरा मंडरा रहा था। वापस जाते टाइम एक औरत सेरेना को बताती है कि वो समझ नहीं पा रही है कि वे लोग उसको भी किस तरह यूज कर रहे हैं, लेकिन सेरेना एक बेबी के लिए इन सारी बातों को इग्नोर कर देती है। अब एयरपोर्ट पर जाते टाइम लोग प्रोटेस्ट करके उनको दिखा रहे थे कि पूरी दुनिया उनकी इस इनह्यूमैनिटी से कितना नफरत करती है,
और मोरिया भी उनकी कार के सामने आकर प्रोटेस्ट करती है। फिर कुछ ही देर में उनको खबर मिलती है कि फ्रेड और सेरेना को लोगों के डर से कनाडा से भागना पड़ा, जिससे कि वे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अब सेरेना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अब अपने बदले हुए लाइफ के बारे में सोच रही है। उसे तो अब जैसे अपने कपड़ों के रंग तक खुद से पसंद करने का हक नहीं था और उसकी लाइफ में ग्रीन के अलावा और कोई कलर अलाउड ही नहीं था। अब इधर रात को निक जून के रूम में जाकर उसे मिलता है और उसे बताता है कि उसने वो लेटर बाहर निकाल दिया है। साथ ही निक जून को यह भी बताता है कि वो उसके पति जॉन से मिला था और जॉन बिल्कुल ठीक है और मोरिया भी उसी के साथ में बिल्कुल ठीक है। इसे जानकर जून बहुत ही खुश थी, लेकिन यहाँ पर हम निक की आंखों में अभी भी जून के लिए प्यार देखते हैं। और रूम के बाहर जाते टाइम भी निक जून को लव यू बोलकर उसे किस करके वहां से चला जाता है। इधर मोरिया बचकर निकल गई थी, मतलब कि गलत देश से सेफली बाहर निकलना बिल्कुल पॉसिबल है और यही बात जून को यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक उम्मीद पैदा कर रही थी। और इसी के साथ में हैंडमेड टेल्स के सीजन 2 के इस पार्ट को यहीं पर खत्म करते हैं। दोस्तों, आज के इन तीनों एपिसोड में हमने देखा कि गलियत देश में सिर्फ हैंडमेड से नहीं बल्कि वाइफ्स की लाइफ भी गुलामी से भरी हुई थी और एक बेबी को माँ से भले ही छीन लिया जाए लेकिन वो बेबी हमेशा अपनी माँ के टच को ही अपना मानता है। और दुनिया के सामने हैंडमेड के लेटर बाहर आने के बाद शायद बाकी की दुनिया हैंडमेड के हक के लिए लड़ना शुरू कर देगी। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, इस वीडियो को अब हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप इस सीरीज़ के बाकी के पार्ट को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ इस सीरीज़ में बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।